हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ विलेज। मेरी पोस्टिंग अब शिफ्ट हो गई है विलेज को। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, जहाँ मैंने अपने बैच को शिफ्ट करा लिया फ्रॉम सी टू डी। तो अभी जो बैच है वो विलेज में है, एंड मैं भी कल मुझे रिपोर्ट करना है विलेज, और उसके बाद देखा जाएगा कि मुझे कौन से विलेज भेजा जाएगा। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे पूरा पैकिंग करना है एंड ऑल। So even though I had a lot of time to do that, and the whole Sunday was free, but I didn't do, and अब मुझे packing करना है। तो आज इस बार का vlog बहुत ज़्यादा amazing होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो internship का जो main essence होता है वो village posting में ही होता है। तो अभी मैं फटाफट से packing करती हूँ, फिर सुबह सुबह हम village के लिए निकलेंगे। अभी तो मेरा रूम बहुत ही बिखरा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, लेकिन अभी आप कुछ ही मिनट्स में देखेंगे कि मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। सो आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई पैकिंग। मैंने सारा सामान सामने निकाल लिया है, बस उसको बैग में रखना है और फिर कल सुबह निकल जाएंगे। ये सूटकेस है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्रन, देन दैट इज़ अ कम्फर्टर, एक पिलो लेके जाना है, बेडशीट विद पिलो कवर, फिर ये सारे कपड़े हो गए, फिर ये मेरा कुछ स्किन केयर एसेंशियल्स, एंड फिर ये सब तो ले ही जाना होगा, एंड आई एम ऑल सेट। कल बेसिकली मैं दो दिन में वापस आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे DMC रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। इसलिए मैं अगर कुछ चीज़ भूल भी जाऊँगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं आके वो चीज़ ले जाऊँगी। अब फटाफट मैं सब चीज़ों को बैग में रखूँगी और उसके बाद विल गो टुमारो। रेडी टू गो, मैं तैयार हूँ और सब कुछ कर लिया है, बस सब कुछ निकलना है। सो बैग्स आर रेडी और बस अब बस मैं निकल रही हूँ। तो सुबह सुबह 8 बजे बस आती है बॉयज़ हॉस्टल के सामने, बेसिकली जो मेन बिल्डिंग है जेलन में ऑडिटोरियम, वहाँ पर आती है। तो मुझे गर्ल्स हॉस्टल से वहाँ पर जाना पड़ता है, तो मुझे 8 बजे से पहले वहाँ पहुँच कर रहना है, क्योंकि बिल्कुल 8 बजे बस खुल जाती है। तो बेसिकली 2-3 मिनट पहले आती है, उसमें अंदर बैठना होता है और उसके बाद जो है खुल जाती है। थोड़ा सा होता है कि वो रुकते हैं 1-2 मिनट अगर कोई थोड़ा लेट हो रहा, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्क लेने में ठीक नहीं लगता। तो ये जो आप देख रहे हैं यही वाली बस है जो हमें बल्लभगढ़ लेके जाएगी। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे वहाँ से कौन सा गांव भेजते हैं। तो बेसिकली मुझे इतना पसंद है बस से ट्रैवल करना, उसके दो रीज़न है। एक तो ये है कि ये बस रुकती नहीं बीच में, और दूसरा रीज़न ये है कि आपको बस में ये होता है कि आप ऊपर बैठते हो, बहुत ही ऊपर, तो आपको सब कुछ दिखता है। तो बेसिकली कार वगैरह में आप बैठोगे तो आपको ना नीचे नीचे दिखेगा, सब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बस में ना बहुत अच्छा व्यू होता है। तो मैं तो बिल्कुल गाने लगा लेती हूँ और बिल्कुल फिर सो जाती हूँ। और ये मैं पहुँच गई बल्लभगढ़। अब मुझे जाना है SR रूम और वहाँ पर एक सर से मिलना है, जो कि मुझे अलॉट करेंगे मेरी ड्यूटी। तो ये मैं SR रूम में वेट कर रही हूँ। सो फाइनली मुझे यहीं पर OPD विज़िट करना है, मेडिसिन OPD मुझे जाने के लिए कहा गया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। यहीं पर बगल में मेडिसिन OPD है। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग है यहाँ पर। अगर अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर एक टपरी भी है जहाँ पर हम चाय पीते हैं। वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बिल्कुल अंकल जो है कुल्हड़ में बनाकर देते हैं, और मैं जैसे कि चीनी नहीं डालती तो वो बिना चीनी वाला चाय देते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज मेरा पहला दिन विलेज में है, और मैंने पहली बार मैं OPD में एज अ डॉक्टर बैठी, और मैंने कई सारे पेशेंट्स देखे। लाइक दिस वॉज द रियल फीलिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, एंड इट वॉज अ फर्स्ट डे, सो थोड़ा बहुत
मतलब नर्वसनेस भी थी, बट इट वॉज नाइस. अभी 2 बजे फिर आना है, सो अभी लंच करते हैं यहीं पर, उसके बाद फिर वापस से यहीं पर आएंगे. सो दिस वॉज द ओपीडी वाला एरिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू द हॉस्टल एरिया. आज बहुत मज़ा आने वाला है. ये पूरा हॉस्टल कैंपस है, यहीं पर मेस है, यहीं पर जिम है, और मैं अपनी दोस्त के हॉस्टल से देख रही हूँ सामने वाला हॉस्टल मेरा. मुझे आज का लंच जो बना है यहाँ पे वो पसंद नहीं है, सो आई एम गोइंग टू लीव दिस. एंड जल्दी से 2 बजे जाना भी है वहाँ पर, वापस फिर से क्लिनिक है. सो अगेन आई एम गोइंग टू सी अनदर पेशेंट्स. एंड अभी मुझे रूम अलॉट हुआ है तो मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए कौन सा रूम है. सो दिस इज द रूम आई गॉट. बालकनी भी साफ कर दी है. बस इसको देखने के बाद मैंने अपना रूम चेंज करा लिया. तो मुझे जो रूम मिला है वो मुझे अच्छा वो रूम है, बट मैं अपना वही रूम ले रही हूँ जब मैं यहाँ पे आई थी होस्टिंग में, तो वो रूम काफ़ी अच्छा था, उसमें बालकनी बहुत अच्छी दिखती थी, तो मैं वही रूम ले रही हूँ, तो इसलिए वो चेंज हो रहा है अभी. अभी 2 बजे बस दो ही पेशेंट थे तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई, तो यहाँ पर मैं फिर से वापस से हॉस्टल एरिया में आ गई, और इसीलिए मैं अब वापस जा रही हूँ एम्स. सो आज मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं अब जा रही हूँ वापस हॉस्टल. तो मुझे बेसिकली अपने बिल्लियों का भी बहुत टेंशन हो रहा था, ऐसे तो मुझे रूम वगैरह मिली कि आपने देखा तो, बट आज मैं जाऊँगी फिर सुबह सुबह 8 बजे जो है बस चलती है, तो फिर वहाँ से वापस इधर आ जाऊँगी. तो थोड़ा अप डाउन ज़्यादा हो जाएगा बट इट्स फाइन. हॉस्पिटल के पास में ही मेट्रो है, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसी को क्रॉस कर कर मेट्रो स्टेशन आता है, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी. ये वायलेट लाइन है, तो ये आप ब्रिज जो देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिख रहा है. मैं आज पहली बार मेट्रो से वापस जा रही हूँ, क्योंकि बस जो है वो चलती है कुछ 5 बजे, तो मैं मुझे तब तक मैं पहुँच भी जाऊँगी. यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी. अराउंड 50 मिनट्स लगते हैं मेट्रो से आने में, बस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि शाम में ट्रैफिक होती है. तो मैं जाके देखूंगी कि मेरी बिल्लियाँ कैसी है. मैंने तो मेस वाले भैया को खाना दे दिया था कि वो बीच बीच में खाना डालते बिल्लियों के लिए, क्योंकि मैं तो 2 दिन बाद आने वाली थी. आई जस्ट रीच हॉस्टल और मुझे कुछ नई नई चीज़ें हॉस्टल कैंपस पर दिख रही है. जो नया एक आगे का ग्राउंड खुला था, तो बहुत दिनों से बंद था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर्स रहते थे. आज वहाँ पर आई थिंक वो जो गार्डन वाला जिम होता है वो लगाया गया है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट है. चलिए मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ, अब चल के देखते हैं कि मेरी बिल्लियाँ कैसी है. ऐसे तो इधर उधर चलती फिरती दिख जाती है, इसलिए मैं पहले ही उसको ढूंढ रही हूँ. तो अभी तो मैं नीचे हूँ, आई होप कि मेरे रूम के ही पास हो वो लोग. चलिए चलते हैं.